हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। तो वो और चाय देख के आपको पता ही चल गया कि हम कहाँ हैं। भोपाल, जहाँ पे दिन की शुरुआत ही पोहा और चाय से होती है। जलेबी मिसिंग है कि ड्यू टू कोरोना काल। तो आप लोग घर में बैठ के मजे ही कर रहे हो। सुबह के बज रहे हैं 7, आप हैं हमारे साथ, करते हैं अपने नए दिन की शुरुआत। तो आप लोग घर पे सेफ रहिए और हम आपको घुमाएंगे। आज नई नई लोकेशन पे भी घुमाते हैं। पीछे थोड़ा सा फैला पड़ा हुआ है क्योंकि ये पैकिंग का टाइम हो गया है। अब पैकिंग करते हैं और फिर एक दो दिन में निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। तो चलो आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखाते हैं, आज आपको भी मजा आएगा। हो गई दिन की शुरुआत राइडिंग के साथ। ले चलते आपको अपने लोकेशन पे और दिखाते व्यू नहीं दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे लेक व्यू है। मॉर्निंग व्यू लेक व्यू। तो आ चुका है बहुत फेमस जो चौराहा है यहाँ का। अगर आप भोपाल आए और इस चौराहे को नहीं देखा तो क्या देखा। ये एमपी नगर का चौराहा है जो आपको हर सीरियल जो भी भोपाल में शूट होते हैं, जो भी मूवी सीरियल वेब सीरीज जो भोपाल में शूट होते हैं उसमें ये चौराहा जरूर दिखाया जाता है। यहाँ का बहुत ही फेमस चौराहा है। और देखिए आपको क्या मतलब, भोपाल पूरा ग्रीन, मज़ा ही आ जाता है आपको। हर तरफ देखिए, हर तरफ ग्रीन। इट मतलब आप मेन रोड पे हो, किसी छोटी रोड पे हो, कहीं पे भी हो, आपको सब जहाँ ग्रीन ग्रीन दिखेगा। यहाँ से लेते हैं हम राइट, राइट लेते ही मान आपको लेफ्ट साइड में जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है उसको बोलते हैं डीवी मॉल। तो भोपाल का वन ऑफ द फेमस मॉल है जो कि डीवी मॉल, जिसके भी मुँह से आप भोपाल आए और डीवी मॉल नहीं गए तो क्या क्या, बट हम नहीं जाने वाले ड्यू टू कोरोना काल। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, आप देख पा रहे हो। बाहर से व्यू आपको दिखा देते हैं। ये है डीबी मॉल, यहाँ से स्टार्ट होता है और वो वहाँ एंड होता है। काफ़ी अच्छा मॉल है, आएंगे तो आप भी घूमिएगा, बहुत अच्छा है। बट हम ये तो कोरोना काल ने सब रोक रखा है। चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर और दिखाते रहते हैं आपको अच्छे अच्छे व्यू। ये लीजिए, पहुँच गए लेक व्यू के पास में। गाड़ी के अंदर अलाउ नहीं है। ए फ्यू मोमेंट लेटर 8 किलोमीटर है। हाँ, क्या ठंडी ठंडी हवा। देखिए लेक व्यू के व्यू, अरे आ रहे ही नहीं आ रहे हैं। अरे नहीं आ रहे हैं तो बता दीजिएगा। व्यू देखिए, व्यू अल्टीमेट वाला व्यू आपको दिख रहा होगा। साइकिलिंग के लिए बेस्ट लोकेशन है, सुबह रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए बेस्ट लोकेशन है। और यहाँ पे ओहो वाली साइकिलें जो हो, क्या व्यू है। व्यू देखिए, देखिए व्यू क्या बेहतरीन व्यू है ना। मजा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आप लोग मजे आने चाहिए बस। लेक व्यू एंड बोट तालाब दोनों एक ही जगह है, दो नाम है इसके। अब आपको देख रहे होंगे बोट, ये बोट क्लब। बोट क्लब में टैंकर का क्या रोल है पता नहीं, पर आप बोट देखा होगा, बोट के नजारे। ये देखो बच्चे को लेके चल दिए हैं, इनका कुछ का आता पता नहीं है। वाह वाह जी वाह, यहाँ पर ट्रेन भी खड़ी है, तोप भी खड़ी है, बोट भी खड़ी है, सारे भी मिलेगा। ये यहाँ पे है
गेट है जो कि बंद है। यहाँ पे जाने के लिए रास्ता है, चले क्या? ठीक क्या जाते हैं? परमिशन नहीं है? किन के लिए परमिशन होती है? बच्चों के लिए, स्टाफ के लोग। अच्छा स्टाफ के लोग हैं, मुझे लगा बच्चों के लिए, तो हम बच्चे नहीं हैं। यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको अजीब तरीके की बोटें, इनका नाम मुझे नहीं याद है ना पता है मुझे ये क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही लंबी लंबी बोटें हैं जो कि सर्फिंग के लिए आई थिंक यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे बोट क्लब के मेंबर्स जो होते हैं या उनके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके बच्चे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बोटिंग का मज़ा करते हैं। ये देखिए आपको व्यू देखिए, क्या बेहतरीन व्यू है। अभी तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक एंड रश नहीं है, बट व्यू देखिए दोनों साइड में ग्रीन व्यू, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा लेक व्यू। जब पानी दिखता है तो वैसे ही मज़ा आ जाता है, पानी के साथ ग्रीनरी और ही मज़ा आ जाता है, बिल्कुल मज़ेदार। वेदर भी बहुत अच्छा हो रखा है तो मस्त। यहाँ पे एक पार्क सा बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बट सब कुछ अभी हम बाहर से ही देखते हुए जाएंगे और कहीं पे फ़ोटो खिंचाएंगे और वापस चले आएंगे। तो आप लोग को लिए बस मुझे लगा आप लोग को दिखा देना चाहिए, आप लोग घर बैठे लेक व्यू के वीडियोस देखिए और फील कीजिए आप ही यहाँ पे राइड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। तो ये देखिए आपको एक व्यू यहाँ से भी मिलेगा, बहुत ही बढ़िया व्यू मिल रहा है यहाँ से भी, मज़ेदार व्यू है। तो आपको जहाँ भी तक देखेंगे ये अप्रॉक्स 8 किलोमीटर का लेक व्यू की रोड है, बट आई थिंक हमें आगे जाके वन विहार मिलेगा जहाँ से फिर हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें वन विहार नहीं जाना। ये आपको जो सामने दिख रहा है ये है वन विहार, ये भी काफ़ी लंबा है और साथ के साथ लीजिए पहुँच चुके हैं लेक व्यू। पीछे व्यू देखिए आपको बढ़िया बेहतरीन व्यू मिल रहा होगा, सामने खड़ी हुई ट्रेन, सामने देखिए ट्रेन दिख रही होगी और व्यू देखिए पीछे क्या बेहतरीन व्यू है। इसको बोलते हैं लेक व्यू एंड बोट क्लब, जहाँ पे आपको बोटिंग करनी हो यहाँ आ सकते हो आप। और सुबह सुबह ये अप्रॉक्स 10 बजे के आसपास खुलता है, बट अगर आपको व्यू केवल आपको जस्ट व्यू लेना है तो आप दिन में आइए, आपको बेहतरीन व्यू नज़र आएंगे। और जो पीछे एक बॉल सी दिख रही है, ये बॉल प्लास्टिक का बना हुआ है, जो वेस्ट प्लास्टिक है उसका बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बोतल है जो प्लास्टिक के क्रैश करके वो उसको बनाया गया है और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और रात का व्यू तो बहुत ही औसम होता है, वहाँ पे एक लाइट लगी हुई बड़ी सी, वहाँ पे आपको दिखेगा सिटी ऑफ लेक और बेहतरीन व्यू। तो बस मस्त जगह है, इतना ही कहेंगे। और अभी कोविड के चक्कर में हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बोटिंग वोटिंग करेंगे नहीं ड्यू टू सेफ्टी पर्पज, अपनी सेफ्टी और सबकी फैमिली के चक्कर में। तो बस अभी इतना ही है अभी, और आपको चलते हैं कुछ और नया दिखाते हैं। पीछे का व्यू देखिए क्या बेहतरीन व्यू आ रहा है, फाउंटेन चलता हुआ लेक व्यू पे। और आपको ये जो पीछे दिख रहा है ये है सिटी ऑफ लेक का बोर्ड, जो कि पूरा आपको नहीं दिख पाएगा। और सामने वीआईपी रोड दिखेगा आपको, ये सामने जो दिख रहा है वो वीआईपी रोड है, जो यहाँ के राजा भोज थे उनकी यहाँ पे फोटो है। तो कुछ ऐसा व्यू दिखता है आपको, बेहतरीन मज़ेदार सीन है। चलिए
उसके बाद आपको राइट साइड में दिखता हुआ छोटा तालाब, इसको बोलते हैं छोटा तालाब, दिखने में छोटा है इसलिए इसको छोटा तालाब। इसको बोलते हैं लोअर लेक, लोअर। क्या मस्त बेहतरीन नजारे और छोटे तालाब के जस्ट बगल में जाते हुए। यही पानी होता है दिल्ली भोपाल में सप्लाई, तो इसलिए लोगों को बोला जाता है थोड़ा गंदगी ना फैलाए, पर लोग मानते कहा। यहाँ पे करिश्मा पार्क जिसको बोलते हैं छोटा तालाब का करिश्मा पार्क, और देखिए क्या नजारे हैं यहाँ के, मस्त नजारे ना, मजे आ रहे हैं। ये देखिए क्या नजारे हैं, जो लेक है उसको दो भाग, दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, इसको एक को अपर लेक और दूसरे को लोअर लेक बोल दिया गया है। तो बस आप लोग भी एंजॉय कर लिए होंगे वो करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, घर पे रखिए, सेफ रहिए, अपने घर वालों का, खुद का, सबका ख्याल रखिए, और हम आपके लिए लाते रहेंगे अच्छी अच्छी वीडियो और दिखाते रहेंगे नए नए लोकेशन, आपको बोर होने नहीं देंगे घर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग आउट।